वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेबर मैथ्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में, और कुछ उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एग्जांपलों के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अभी डिटरमिनेंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलेगी नहीं भाई, अगर हम इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। रो और कॉलम को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। रो और कॉलम को इंटरचेंज कब किया था भाई हमने, ट्रांसपोज में। कब किया था हमने, ट्रांसपोज में। यानी ये कहना चाहता है कि डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज और ए के नहीं सॉरी डिट ए के डिट का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो क्या है, सेम। क्या होगा, सेम। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मैं कहता हूं डिटरमिनेंट ए है 1, 2, 3 और 4, वैल्यू आएगी 4 माइनस 6 यानी माइनस के 2। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, अभी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब भी वैल्यू 4 माइनस 6 क्या आएगी, माइनस के 2, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। यानी ए का डिटरमिनेंट और ए का जो ट्रांसपोज है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा भाई, ये इस प्रॉपर्टी के अंदर कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। अगर कोई दो रो डिटरमिनेंट के आपस में बदल दिए जाए, कोई दो रो की बात कर रहे हैं अभी, किन्हीं भी दो रो की आपस में बदल दिए जाए, रो और कॉलम नहीं इंटरचेंज किए, सिर्फ दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए, देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज, डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। देखिए क्या कहता है भाई, मैं कहता हूं डिटरमिनेंट ए है मेरा वही 1, 2, 4, 6, 3, वैल्यू आएगी 2, 3 जा 6 माइनस के 24, तो वैल्यू आएगी -18। क्या आएगी वैल्यू, -18। अब मैं कोई दो रो को चेंज करता हूं भाई, दो रो को चेंज किया मैंने इसकी, यानी पहले रो को दूसरा लिख दिया, दूसरे को पहला लिख दिया, 6, 3, 2, 4, 24 माइनस के 6, अब वैल्यू आएगी +18। यहाँ -18 था, यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये +18। तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम यानी एक जैसे, अगर कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो, तब क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी भाई, जीरो। तो आइडेंटिकल के केस में मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं 2, 3 फर्स्ट रो है और सेकंड रो भी क्या है, 2, 3। मैं बेटे एग्जांपल सेकंड ऑर्डर के ले रहा हूं, आप थर्ड ऑर्डर के भी लेकर देख सकते हो। एक जैसे अभी दोनों रो, फर्स्ट रो भी एक जैसा है और फर्स्ट सेकंड रो भी एक जैसा है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 2, 3 जा 6 माइनस 2, 3 जा 6, वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की, जीरो। क्या होगी वैल्यू डिटरमिनेंट की, जीरो। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम, मैं कहता हूं ये भी 2, 2 है, ये भी 2, 2 है, तो क्या होगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कॉलम फर्स्ट भी ऐसा ही है, सेकंड भी ऐसा। अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो की भी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी फोर्थ कहती है डिटरमिनेंट की, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के, देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ये कहता है अगर मैं किसी रो को या किसी कॉलम को, मैं कहता हूं भाई डिटरमिनेंट है 1, 2, 3 और 4 और इसकी वैल्यू क्या है, 4 माइनस के 6 माइनस के 2 है। अब ये प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके किसी रो को या किसी कॉलम को, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, मैं कहता हूं के की वैल्यू मैं मान लेता हूं यहां पर भाई 3 है, सॉरी 2 है, क्या है, के की वैल्यू 2 है भाई, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किसी एक रो को, पहले रो को कर देता हूं, 2, 2 नहीं 4, 2, 1, 2
दो दूनी चार, तीन और चार, देखिए भाई दो चौके आठ, दो चौके आठ माइनस चार तीन बारह, वैल्यू क्या आई माइनस चार। अगर दो को बाहर निकालते तो माइनस दो, तो वो वैल्यू है जो डिटरमिनेंट की वो भी उस केस से क्या होगी भाई मल्टीप्लाई हो चुकी है, वो वैल्यू है वो भी केस से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी भाई। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होगा भाई, इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज्यादा, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये कहता है अगर मैं किसी रो को, एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी केस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस केस से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने की बात क्या है, यूज कैसे होगा इसका क्वेश्चनों के अंदर, क्वेश्चनों के अंदर कैसे यूज करेंगे हम इसका भाई। मैट्रिक्स के अंदर मैं मल्टीप्लाई करता था, मान लेता दो से मल्टीप्लाई करता था मैट्रिक्स को, मैं ये थी मैट्रिक्स मेरी आठ और दस, दो से करता था वो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती थी भाई, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती थी। बट इस केस में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, ये बार वाला जो दो है या तो वो एक रो से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो से कर लीजिए या सेकंड से कर लीजिए या फिर फर्स्ट कॉलम से या फिर सेकंड कॉलम से कर लीजिए, वो इनमें से एक से होगा भाई, सभी से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, सभी से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर एक रो को मल्टीप्लाई किया था तो एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी थी, दूसरे को करेंगे तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तीसरे को करेंगे तो कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तीन वैल्यू। वो प्रॉपर्टी आई थी भाई, हमने पढ़ा था के ए का जो डिटरमिनेंट है वो के की पावर एन डिटरमिनेंट ए होता है, के की पावर एन डिटरमिनेंट ए होता है। वो एन क्या था, ऑर्डर, यानी कितने के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे भैया हमें, अगर पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, दो ऑर्डर की है तो दो के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तीन ऑर्डर की है तो के को तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई हमें। और कॉमन लेने की बात आएगी, फर्स्ट रो में से अकेले में से कॉमन ले सकता हूँ मैं, सेकेंड रो में से भी अकेले में से कॉमन ले सकता हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम में से अकेले में से कॉमन ले सकता हूँ मैं, और सेकंड रो में से भी अकेले में से क्या ले सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ भाई मैं। फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी का यूज ज्यादा नहीं है भाई, बट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि मैं जो डिटरमिनेंट के रो और कॉलम है ना उनको आपस में एड कर सकता हूँ। क्या कहता है, मान लेता हूँ टू फोर सिक्स और एट है भी, इसकी वैल्यू है सिक्सटीन माइनस के 24 यानी माइनस के आठ वैल्यू होगी। ये कहता है अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, छह और दो आठ, आठ और चार बारह, छह और आठ अट्ठी चौसठ, बारह छह के बहत्तर, अभी वैल्यू क्या आई है आठ आई है। अगर मैं आपस में इनको ऐड कर दू सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये थी भाई जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज होंगी डिटरमिनेंट की, वो मैंने आप लोगों को बताई है भाई। एक और है, अगर कि कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम किसी डिटरमिनेंट का जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तब भी क्या होती है जीरो होती है भाई। कोई सिंगल रो या फिर कोई सिंगल कॉलम किसी डिटरमिनेंट का अगर जीरो हो तो वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की, तब भी जीरो होती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अभी। क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी का यूज करके और बिना एक्सपेंड किए, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सपेंड करके क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो ये कहता है बिना एक्सपेंड किए फर्स्ट से सेवन तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। और क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है भी इसका एक्स वाई जेड, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम है उसकी वैल्यू है ए बी सी, थर्ड कॉलम है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ये प्रूव करना है भी जीरो के इक्वल, किसके इक्वल प्रूव करना है, ये जीरो के इक्वल। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऑपरेशंस लगा सकते हैं जो हमने 3.4 के अंदर सीखे थे भी। अगर मैं इसको ऑपरेट करूं, ऑपरेटिंग अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं, सी वन को ऑपरेट कर देता हूं सी वन प्लस सी टू, कॉलम फर्स्ट को कैसे लिख सकता हूं, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकेंड, तो ये हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, सेकेंड कॉलम को ऐसे रहने दीजिए भैया, ये हो गया भाई हमारा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एक जैसा है, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल या फिर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो
अब वैल्यू क्या होगी डेट नेट की? जीरो। मान लेते हैं डेल्टा था भी, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि एक और तीन एक जैसे हैं, इसीलिए डेट नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी भाई। सेकंड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सेकेंड रो है बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। थर्ड है सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको भी क्या प्रूव करना है भाई? जीरो। क्या प्रूव करना है? जीरो। तो देखिए, अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं, यानी आर वन को या सी वन को, मर्जी आपकी है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखिए भाई, ए में जब ए जुड़ेगी जीरो, बी में बी जुड़ेगी जीरो, सी में सी जुड़ेगी, तो ये वहां वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। क्या आएगी वैल्यू? जीरो। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, जीरो, यहां भी जीरो। सेकंड रो ऐसे लिखा जाएगा भाई। तो मैंने आपको बताया था भाई अभी अभी, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम की वैल्यू जीरो है किसी डिटरमिनेंट के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो लिखेंगे आर वन इज जीरो, सो डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? जीरो। कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो डिटरमिनेंट का, तो वैल्यू क्या होती है उसकी? जीरो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं भाई एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए 2, 3, 5 जो फर्स्ट कॉलम है थर्ड क्वेश्चन का, 2, 3, 5 7, 8, 9 65, 75, 86 इसको प्रूव करना है जीरो। इसको क्या प्रूव करना भाई? जीरो। देखिए भाई, कॉम्बिनेशन कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। C3 को ऑपरेट करते हैं सबसे पहले, C3 माइनस C1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं देखेंगे पहले। 2, 3, 5, 7, 8, 9 C3 को ऑपरेट किया, C3 माइनस C1, तो 63। इसमें से माइनस हो गया 72, इसमें से माइनस हो गया 81। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9 इसको देखिए भाई, 9 × 7, 9 × 8 और 9 × 9 और 9 क्या जाएगा इसमें से? कॉमन। तो लिखेंगे टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, 9 कॉमन फ्रॉम C3, 9 ले लीजिए कॉमन भी, 9 कॉमन आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9 और ये भी हो जाएगा 7, 8, 9। हम देखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी हमारी? जीरो। हेंस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। BCCA और AB, AB plus C, AB plus C, BC plus A और CA plus B इसको प्रूव करना हमने किसके इक्वल है? ये जीरो के इक्वल है। ये भी क्या प्रूव करना है इसको? जीरो के इक्वल। देखिए भाई, 111 BC, CA और AB इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, AB plus AC, BC plus AB और AC plus BC। देखिए अभी AB BC की कमी है, AC है, AB BC और AC, AB BC और AC। तो ऑपरेशन लगाते हैं हम, ऑपरेशन क्या लगाते हैं डेल्टा में? क्या ऑपरेशन लगाते हैं अभी? C3 को ऑपरेट कीजिए, C3 plus C2, C3 को ऑपरेट कीजिए, C3 प्लस के C2।
क्या है अभी देखिए, C3 को अगर C3 प्लस C2 करेंगे, BC, CA और AB, यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA। अब कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे हम टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 में से कॉमन लेते हैं भाई, तो बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ है 111, सेकंड कॉलम है BC, CA और AB, और ये कॉमन जब आएगा तो यहाँ भी होगा 11 और 1। हाँ जी, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की? 0। इसीलिए ये डेल्टा था जो भाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0 होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप ध्यान पूर्वक स्टडी कीजिए, जो बाकी का क्या कार्य है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।